प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर पे। आप जानते हैं, सब कुछ के बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और यह प्रैक्टिस पेपर बॉटनी से स्टार्ट किया जा रहा है और इसका लक्ष्य ये रखा गया है कि आपके एग्जाम में 25 से 30 प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। सभी चैप्टर को हम लोग करेंगे, 25 से 30 प्रश्न आपके यहाँ से जो मिलने वाले हैं उन्हें सही करना है। इसका दो मतलब है, दोनों मतलब मैं पहले आपको बता दूं। इसका हम नाम रखते हैं आर स्क्वायर फार्मूला। इसका मतलब होता है रिपीटेड एंड रिलेटेड क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन जो प्रश्न है उसी भाषा शैली के साथ दोबारा रिपीट हो जाए तो उसे रिपीटेड क्वेश्चन कहा जाता है, लेकिन अगर भाषा शैली बदल करके वह प्रश्न पूछा जाए तो उसे रिलेटेड प्रश्न कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समाहित किया गया है, खास करके जो टीजीटी पीजीटी और एलटी में पूछे गए हैं, एलटी जीआईसी यानी जिसे आप केबीएस कहते हैं, डीएसएसबी कहते हैं, उनके प्रश्न जो पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया है और एक एक चैप्टर के सभी प्रश्नों के साथ हम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वह चैप्टर है वायरस, और ये चाहे आप JSSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे BPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, TGT, PGT की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रश्न पे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए और पहले प्रश्न का आंसर खोजते हैं क्या हो सकता है। देखिए, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव, कह रहा कौन ऐसा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहाँ डज नॉट है नहीं, कौन ऐसा है जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। आर्किबैक्टीरिया आप सब जानते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, आर्किबैक्टीरिया में ही मेथिनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आर्किबैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, मर्सी एरिया में पाए जाते हैं आर्किबैक्टीरिया। तो ये तो प्रोकैरियोटिक हो गए, एक क्या हो गए प्रोकैरियोटिक हो गए। यहाँ पे PPLO है, ये भी प्लोरो निमोनिया लाइक आर्गिन, ये भी क्या होता प्रोकैरियोटिक होता है। रिकेट्स ये भी प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, तो ये सभी तो प्रोकैरियोट हो गए, लेकिन वायरस जो है ना तो यूकैरियोटिक है ना ही प्रोकैरियोटिक है, तो इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। ठीक, अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या दिया गया। देखिए यहाँ पे दिया गया वायरस डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वायरस में कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। वायरस हैव ओनली ए सिंगल स्टैंड, वायरस में सिंगल स्टैंड ऑफ DNA अथवा RNA पाए जाते हैं। विच इज ऑफ द 6% ऑफ सेंट्रल कोर, अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि DNA और RNA जो होता है वह प्रोटीन के बराबर होता, नहीं। कह रहा है विच फॉर्म ऑफ द 6% कौन जेनेटिक मटेरियल जो यहाँ पे RNA है या जिसमें DNA पाया जाता है, सिंगल स्टैंड DNA पाया जाता है, वह 6% ही सेंट्रल कोर में पाया जाता है। सेंट्रल कोर, और सेंट्रल कोर किससे कवर्ड होता है, प्रोटीन से कवर्ड होता है, जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं। सेंट्रल कोर किससे कवर्ड होता है, कैप्सिड से, यानी जो प्रोटीन का बना होता है। कैप्सिड किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी। वायरस आर आल्सो नोन एज द न्यूक्लियो कैप्सिड, वायरस को दूसरी भाषा में न्यूक्लियो कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये है पूरा डिस्क्रिप्शन। इसी तरह से हर एक प्रश्नों को करेंगे, 50 से 55 प्रश्न हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। JSSC वाले अपने इस एक महीने में पूरे तरह से सारे चैप्टर को इस तरह से डिस्कस कर लेंगे, प्रैक्टिस पेपर हम आपको चैप्टर वाइज करवा ही रहे हैं, यानी किसी भी तरह से आपका कोर्स बचना नहीं चाहिए। एन किन प्रकार आपको अपने सिलेबस को पूरा करना है और अपने सिलेक्शन को छीन करके लाना है। ठीक है, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पूछा जा रहा है हु रिसीव द नोबल प्राइज, कौन ऐसे हैं जिन्होंने नोबल प्राइज रिसीव किया फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियान, प्रियान की डिस्कवरी के लिए जिन्होंने नोबल प्राइज जो है पाया उनका नाम क्या है। तो आप सबको पता है प्रियान के लिए प्रुशनर नामक साइंटिस्ट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्रुशनर नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रियान की डिस्कवरी की थी, और 1997 में इनको नोबल प्राइज दिया गया था मेडिसिन का। इनको नोबल प्राइज किसका दिया था, मेडिसिन का। आपको पता होगा छह सेक्टर में नोबल प्राइज दिए जाते हैं, जिसमें आपका मेडिसिन है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, तीन तो साइंस को हो गए, लिटरेचर में आपका लिटरेचर का एक हो गया चार, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स हो गया पांच, और एक पीस का होता छह। तो छह सेक्टर में नोबल प्राइज दिए जाते हैं, तो उसमें से मेडिसिन का नोबल प्राइज इनको मिला था कब, 1997 में, और किसके लिए मिला था, तो रिसीव नोबल प्राइज फॉर द डिस्कवरी या प्रियान, प्रियान की डिस्कवरी के लिए। अब प्रियान क्या है, प्रियान एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है या प्रोटीन पार्टिकल कह सकते हैं, प्रियान आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल। आप कह सकते हैं कि यह एक खराब प्रकार की प्रोटीन है जो कि शरीर में बन जाती है। प्रियान आर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय प्रोशनर इन 1983,
इन्होंने इसको रिपोर्ट कब किया था, 1983 में, और यह एक इन्फेक्शियस प्रोटीन है जिसकी वजह से मैड काउ डिजीज होता है। आपने पढ़ा होगा मैड काउ डिजीज किसकी वजह से होता है, तो आप कहेंगे इसी के कारण होता है। किसके कारण? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज कौन है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इंगल्फ करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे बैक्टीरियोफेज में डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज की दो कॉलोनी आपको पढ़ना है, बैक्टीरियोफेज लेमडा और बैक्टीरियोफेज जो है कौन 5174, तो दो बैक्टीरियोफेज आपको पढ़ना। कह रहा बैक्टीरियोफेज जो है टेम्परेट एग्जिस्टिंग इन द लैटेंट फॉर्म द इनसाइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है यहाँ पे देखिए प्रोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोफेज स्टेज कहा जाता है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका पहला। कह रहा है एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्टिंग इन द लैटेंट ऑफ द इनसाइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल कॉल्ड प्रोफेज या प्रोफेज, ठीक। इट इज ऑल्सो बैक्टीरियोफेज ऑफन स्टार्टिंग ऑफ द फेज जीनोम इज इंसर्टेड ऑफ द इंटीग्रेटेड इनटू द सर्कुलर बैक्टीरियल डीएनए, क्रोमोसोम आर एग्जिस्टिंग एज इन द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड, दिस इज द लेटेंट फ्रॉम द फेज ऑफ द विच ऑफ द जीन प्रेजेंट ऑफ द बैक्टीरियम विदाउट द काजिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस जीनोम्स इज ऑल्सो कॉल्ड द मिनी क्रोमोसोम, कह रहा कौन सा ऐसा वायरस जीनोम है जिसे मिनी क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस, कौन सा ऐसा वायरस है जीनोम का वायरस जीनोम पाया जाता है जिसे मिनी क्रोमोसोम कहा जाता है, ये आपको बताना किसे मिनी क्रोमोसोम आप कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर बताइए, मिनी क्रोमोसोम किसे कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो है सही आंसर होगा XV40। XV40 इज एन एब्रीवेशन ऑफ द सेमेरियन, ठीक है, वेस्कुलेटिंग वायरस 40, सेमेरियन वेस्कुलेटिंग वायरस 40 का ये जो है क्या नाम है, शॉर्ट फॉर्म है, इसे हम सेमेनियन वायरस 40 भी कहते हैं। ये पालियोमा वायरस है, पालियोमा वायरस है, और ये डेट इज द फाउंड इन द बोथ इफेक्टेड प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड जीन मंकी सेल, किसको इन्फेक्ट करता है, मंकी सेल को इन्फेक्टेड करता है, ग्रीन मंकी सेल को। XV40 इज ए डीएनए वायरस, और ये कैसा वायरस होता है, डीएनए वायरस होता है। डेट हैज द पालियोमा वायरस इज कॉज्ड बाय द ट्यूमर ऑफ द एनिमल, ट्यूमर ऑफ द एनिमल बट ऑलमोस्ट ऑफन टू परसिस्ट ऑफ द लेटेंट इन्फेक्शन, तो ये ट्यूमर बनाने में भी मदद करता है। अगला, ए वायरस इन्फेक्टिंग ए बैक्टीरियम इज कॉल्ड, एक वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता क्या कहलाता है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता वो कहलाता है बैक्टीरियोफेज वायरस, क्या कहलाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाता है। ए वायरस इन्फेक्टिंग ए बैक्टीरियम इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, कह रहा है एक वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफेज कहलाता है। बैक्टीरियोफेज आर वायरस दैट किल द बैक्टीरियम, बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ डीएनए, बैक्टीरियोफेज में डीएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा XV40 हो गया जिसमें डीएनए पाया जाता है और एक बैक्टीरियोफेज हो गया जिसमें डीएनए पाया जाता है, ठीक। ड्यूरिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के दौरान ओनली डीएनए इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ द बैक्टीरियम, द प्रोटीन सीट रिमेनिंग ऑफ द आउटसाइड ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑफ फाउंड इन द हैबिटेट ऑफ द, कह रहा है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में पाया जाता है, बैक्टीरिया के ऊपर सर्वाइव करता है और बैक्टीरिया को इन्फेक्शन पहुंचाता है, कौन, बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए सबस्ट्रेट सब्सटेंस, माफ करिएगा, ए सब्सटेंस बाय द होस्ट ऑफ द रिस्पांस ऑफ द वायरल इन्फेक्शन बट प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं, कह रहा है विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप आतिथेय से उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमणों से सुरक्षित रखता है क्या कहलाता है, आपको ये बताना है, तो उसे हम कह सकते हैं इंटरफेरॉन, क्या कहा जाता है, इंटरफेरॉन कहा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। इंटरफेरॉन इज एन द इम्पॉर्टेंट एंटीवायरल ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द रिस्पॉन्स टू ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। प्लांट वायरसेस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर्स आर कॉल्ड, कह रहा प्लांट वायरस जो है ये इंसेक्ट वेक्टर को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है
ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में दुगुणन करते हैं कहलाते हैं परसिस्टेंट, चिरस्थाई, नॉन परसिस्टेंट, अस्थाई, या जो है इन्हें क्या कहते हैं प्रोपेगेट, प्रवर्धनशील या सर्कुलेटिव या संचरणशील। तो इन्हें कहा जाता है प्रोपेगेटिव, तो यानी ये जो है प्रवर्धनशील होते हैं। प्लांट वायरस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर्स इज कॉल्ड बैक्टीरिया प्रोपेगेट, क्या कहलाते हैं प्रोपेगेटिव कहलाते हैं। व्हेन ए वायरस अटैक ए बैक्टीरियम द मटेरियल दैट इंटर्स द होस्ट सेल, कह रहा जब कोई वायरस अटैक करता बैक्टीरियम में, मटेरियल इसका कैसा हो जाता है, जब वायरस विषाणु एक बैक्टीरियम को आक्रमण करता है तब उसका होस्ट में प्रवेश रहता है, वह क्या है प्रोटीन कोट। कह रहा प्रोटीन कोट होस्ट के शरीर में जाता है, न्यूक्लिक एसिड जाता है, बोथ प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड जाता है कि कोई नहीं जाता। तो आप जानते हैं कि जब कोई इन्फेक्शन फैलाता है वायरस, तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वही इन्वॉल्व होता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या हो सकता है, या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। कह रहा वायरसेस कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, वायरस में क्या पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय द प्रोटीन, और जो प्रोटीन से सराउंडेड होता है और इस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं कैप्सिड कहते हैं। इन सच फॉर्म ऑफ द कैप्सिड फैसिलिटेट टू द अटैचमेंट ऑफ द वायरस टू द लास्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ प्रोटेक्ट ऑफ द वायरस न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द न्यूक्लियस एंजाइम। कह रहा है वायरस की जो प्रोटीन होती है इसको न्यूक्लियस एंजाइम से बचाता है ताकि ये न्यूक्लिक एसिड डिजॉल्व ना, प्रेजेंट इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड। व्हेन द वायरस अटैक टू द बैक्टीरियम, जब वायरस कोई बैक्टीरिया को अटैक करता है तो उसकी न्यूक्लिक एसिड उसके बॉडी में इंटर कर जाती हैं और वहाँ जाके इन्फेक्शन क्रिएट करना स्टार्ट कर देती हैं। प्रियांस में होते हैं, प्रियांस में क्या होते हैं, तो प्रियांस की खोज किसने की थी अभी ऊपर हमने बताया था आपको, प्रियांस की खोज किसने की थी कमेंट करके बताइए, और इनको नोबेल प्राइज कब मिला। ठीक, तो प्रियांस में सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है प्रोटीन पाई जाती है, और कैसी प्रोटीन होती है इन्फेक्शियस प्रोटीन पाई जाती है। प्रियांस हैव ओनली प्रोटीन्स, दे हैव नो न्यूक्लिक एसिड, इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता। प्रियांस टर्म द प्रोशनर, प्रोशनर ने प्रियांस टर्म दिया था और 1982-83 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। हु कॉल्ड द काजल एजेंट ऑफ द स्क्रैप डिजीज ऑफ द सीप एंड गोट एंड ऑल्सो प्रियांस आर द रिसेंटली न्यूज दैट इज द कॉज्ड बाय द मैड काउ डिजीज। कह रहा है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैड काउ डिजीज के लिए या स्क्रैप डिजीज ऑफ सीप के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रियांस नोन एज द इन्फेक्शियस प्रोटीन, प्रियांस को दूसरी भाषा में हम लोग इन्फेक्शियस प्रोटीन के नाम से जानते हैं। एक फ्रेस है और उस फ्रेस का नाम है कांटाजियम बीबम फ्लूडियम, कांटाजियम बीबम फ्लूडियम टर्म को किसने दिया था ये पूछा जा रहा है कि प्रपोज्ड बाय किसने दिया था, कांटाजियम बीबम फ्लूडियम किसने कहा था। तो आप कहेंगे कांटाजियम बीबम फ्लूडियम कहते बिजरिंग, कौन कहते, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कांटाजियम बीबम फ्लूडियम किसने कहा था, बिजरिंक ने कहा था, बिजरिंक ने कहा था। और ये जो इवान वस्की है वायरस की खोज किए थे और वहाँ पे वाकई विजमैन से और इनसे कोई मतलब ही नहीं, तीन दोनों का मतलब यहाँ देखें। कह रहा द फ्रेज कांटाजियम बीबम फ्लूडियम वाज द प्रपोज्ड बाय द विजरिंक, ही वाज डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड बॉटनिस्ट, आप इन कंसिडर द फाउंडर ऑफ द बायरियोलॉजी एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन द एग्जाम्पल ऑफ, कह रहा वायरस वह वायरस जो रिस्पॉन्सिबल है एड्स के लिए वो किसका एग्जाम्पल है, एडनो वायरस का, मोजाइक वायरस का, टी एवन वायरस का या रेट्रो वायरस का, तो एन एग्जाम्पल उसका कौन एग्जाम्पल है तो आपको ये बताना है। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु का उदाहरण कौन सा हो सकता है, इन चारों में आपको बताना है, तो सही आंसर आपका हो जाता है द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन रेट्रो वायरस, उसे हम लोग क्या कहते हैं रेट्रो वायरस कहा जाता है, जिसका नाम क्या है एच आई वी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ए रेट्रो वायरस इज द सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस दैट डीएनए इंटरमीडिएट एज इन द ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑफ द टारगेट होस्ट सेल। प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय, प्लांट वायरस को सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में किसने बदला था आपको बताना थी। स्टेनले ने 1935 में, इन्होंने स्टेनले नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका क्रिस्टल रूप तैयार कर दिया किसका वायरस का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और बिजरिंग अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, इन्होंने कांटाजियम बीबम फ्लूडियम टर्म दिया था और इवान वस्की ने वायरस की खोज की थी।
सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। साइनोफेज फ्रॉम इंडियन, साइनोफेज फ्रॉम इंडिया वेयर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, तो भारत में साइनोफेज की खोज सर्वप्रथम की थी किसने? भारत के परिप्रेक्ष्य में बताना है, भारत में सर्वप्रथम किसने जो है साइनोफेज की खोज की थी आपको बताना है। चाहे आप देखिए यूपी के लिए पढ़ रहे हैं, बिहार के लिए पढ़ रहे हैं, जेएससी के लिए पढ़ रहे हैं, केबीएस के लिए पढ़ रहे हैं, ईएमआरएस के लिए पढ़ रहे हैं, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस आपके लिए है और आप सभी लोग इसका लाभ अवश्य उठाइए जितना हो सकता है उसे। तो कहते हैं आर्यन सिंह को और पीएल सिंह जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, साइनोफेज की खोज से संबंधित है। साइनोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय, साइनोफेज की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे सफरमैन एंड मॉरिस ने किया था, लेकिन ये वर्ल्ड में और वो पूछा गया था इंडिया में। साइनोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय द सफरमैन एंड मॉरिस इन 1963 फ्रॉम द वेस्ट यूटिलाइजिंग पॉन्ड्स एंड द इंडियन यूनिवर्सिटी। साइनोफेज आर द फेज अटैकिंग ऑफ द साइनोबैक्टीरिया, द नेम ऑफ द वायरस LPP1, वायरस का नाम क्या है LPP1, यूजिंग फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ द थ्री जनरा, जहाँ पे फर्स्ट लेटर इसके तीन जनरा को बताते हैं। वायरस का नामकरण हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन थ्योरी के लिए समय है नहीं, आपका पेपर करीब आ गया है, ठीक है, तो कभी खाली रह जाएगा, पूरी चीज़ों को फिर से एक बार डिटेल हम पढ़ाएंगे आपको, पूरी डिटेल एक बार करेंगे, लेकिन अभी तो सामने पेपर है और हमारे पास ये चैलेंज है कि हमें कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो इसीलिए मैं स्पीड के साथ चल रहा हूँ, बिना बातचीत किए आप ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है द वायरल कैप्सिड मेडअप ऑफ, वायरस की कैप्सिड किसकी बनी होती है? तो आप कहते हैं प्रोटीन की बनी होती है, वही चीज़ें रिपीट हुई, कोई बात नहीं है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? रेट्रोवायरस वही HIV वाला, तो उसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता, अभी आपने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। द बैक्टीरियोफेज कंटेन्स एन एंजाइम नोन एज, बैक्टीरियोफेज में एक एंजाइम पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? डिहाइड्रोजिनेज, प्रोटीएज, यूरिएज या लाइसोजाइम, तो उसका सही आंसर हो जाता है लाइसोजाइम पाए जाते हैं और कई बार प्रश्न ये पूछा गया आपका घुमा फिरा करके, तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। लाइसोजाइम बैक्टीरियोफेज में पाया जाने वाला एक एंजाइम है, लाइसोजाइम को एन एस्टिल म्यूरेमाइड ग्लाइकोहाइड्रोलेज कहा जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे पढ़िए तो सही पढ़ लेंगे, एन एस्टिल म्यूरेमाइड ग्लाइकोहाइड्रोक्सिलेज कहा जाता है भी कहते हैं। इस एंजाइम का वाणिज्यिक रूप से उपयोग किया जाता है, इस एंजाइम का उपयोग जानवरों के प्रतिरक्षा तंत्र को विकास या डेवलप करने में किया जाता है। साइनोफेज इज एन द वायरस डेट अटैक, साइनोफेज एक वायरस है और वो किसके ऊपर अटैक करता है? तो बैक्टीरिया को ऊपर अटैक करता है, किस बैक्टीरिया को ऊपर अटैक करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है उसके ऊपर अटैक करता है साइनोफेज। हेलिकल कंट्रेक्टाइल सीथ इज फाउंड इन, हेलिकल कंट्रेक्टाइल सीथ किसमें पाई जाती है? तो हेलिकल कंट्रेक्टाइल सीथ पाई जाती है किसमें? तो आप कहेंगे बैक्टीरियोफेज में, किसमें पाई जाती है? बैक्टीरियोफेज में पाई जाती है, हेलिकल कंट्रेक्टाइल सीथ किसमें पाई जाती है? बैक्टीरियोफेज में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका आ जाता है कि टी सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज बाई, कह रहा है टी सीरीज के बैक्टीरियोफेज को कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है? तो 80 सीरीज बैक्टीरियोफेज इज रिकॉग्नाइज बाय द टैडपोल शेप, उसका शेप कैसा होता है? टैडपोल शेप का होता है, इसलिए उसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वायरस कंटेन, वायरस में उपस्थित होता है, फिर वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो वायरस में क्या पाया जाता है? आइदर DNA और RNA, या तो DNA पाया जाता है या तो RNA पाया जाता है, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते। आप द फॉलोइंग विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द वायरस, कह रहा है कौन से ऐसी डिजीज है जो वायरस के द्वारा काज होती है, काज बाय वायरस, तो पोलियो जो है ये किससे होता है? वायरस होता है, पोलियो माइलिट्स वायरस से पोलियो रोग हो जाता है, जबकि यहाँ पे लेप्रेसी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रेस जिसे कोड कहा जाता है। TB किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। और मलेरिया प्रोटोजोअन डिजीज है किससे हो जाता है? तो आप कहेंगे प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से, या प्लाज्मोडियम मलेरिया, या प्लाज्मोडियम किससे, टाइटेरियन मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया से, ठीक है।
इसके बाद पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन्स काजेज बर्ड फ्लू। कह रहा है कौन सा ऐसा स्ट्रेन है जो बर्ड फ्लू के लिए जिम्मेदार होता है, तो बर्ड फ्लू के लिए जिम्मेदार है H5N1 बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए फ्लू कहते हैं, जीन्स ए फ्लू या एवियन फ्लू भी कहा जाता है। आर्थोमैक्सिबिरेडियल कुल से यह संबंधित इन्फ्लुएंजा वायरस का एक विषाणु है जो वायरस के सेंट्रल कोर में हीमोग्लोटिनिन तथा न्यूरोमेडिनिन प्रोटीन पर आधारित विभिन्न उप प्रकारों में वर्गीकृत है। कुल 16H तथा 9N उप प्रकार है, जिसमें से एच तथा एन के 144 भिन्न भिन्न संयोजन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए H1N1 H2N2 H5N1 संयोजन से में H5N1 से बर्ड फ्लू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द जोकर्स ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। कह रहा कौन ऐसा है जिसे माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क का जोकर कहा जाता है, तो आप बताइए किसको कहा जाता है, बैक्टीरिया को, वायरस को, माइक्रोप्लाज्मा को या साइनोबैक्टीरिया को, तो आप कहेंगे माइक्रोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है, जोकर ऑफ द, ठीक, जोकर कहा जाता है। कह रहा माइक्रोप्लाज्मा कोशिका भित्ति में उपस्थित होते हैं, इसे जो क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल जोकर कहा जाता है। इंटरफेरॉन आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पांस टू, इंटरफेरॉन सिंथेसाइज होते हैं किसके रिस्पांस में, तो आप कहेंगे वायरस के रिस्पांस में इंटरफेरॉन क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। इंटरफेरॉन सिंगलिंग प्रोटीन और समूह होता है जो कि कुछ पोषक कोशिकाओं तथा कुछ सूक्ष्म जीवों में जैसे उत्परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोसेस अबाउट इन द वायरसेज, वायरस में प्रक्रिया अनुपस्थित होती है, रिप्लिकेशन नहीं होता, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, म्यूटेशन नहीं होता, एनर्जी लिब्रेशन नहीं होता है, बाकी सब कुछ होता है, एनर्जी लिब्रेशन नहीं होता, एनर्जी लिब्रेशन करने के लिए उसमें सेल होनी चाहिए और सेल वायरस में नहीं पाई जाती है। HIV वायरस इज ए रेट्रोवायरस आरएनए वायरस, ठीक है, रेट्रोवायरस होता है या आरएनए वायरस होता है, cDNA वायरस भी हो सकता है, HTLV हो सकता है, यानी सबके सब सही होने चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ए बी और डी सही होगा। सी क्या था, सी यहाँ पे क्या था, अच्छा DNA वायरस नहीं होता, आरएनए वायरस होता, तो DNA वायरस नहीं होगा, तो ABC आपका सही, ABD आपके सही है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, HIV वायरस में विभिन्न नामों से जाना जाता है, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, या इसी को LAB कहते हैं, लिम्फो एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, अथवा HTLV कहते हैं, ह्यूमन टी सेल लिम्फोसाइटिक वायरस टाइप 3, या ARS कहते हैं, एड्स एसोसिएटेड रेट्रोवायरस कहते हैं। HIV वायरस और रेट्रोवायरस सिंगल स्टैंडर्ड RNA इसमें पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। आगे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखते रहिए, बहुत टाइम पास नहीं करना है, ना ही फालतू बकवास करनी, ठीक है। प्रश्न और उसके आंसर, चूंकि कम समय में मोस्ट रिवीजन ज़्यादा करना है और टोटल चैप्टर इसी प्रकार से हम लोग बहुत तेजी से रिवाइज करेंगे, बस आपको सपोर्ट करते रहना, चैनल को शेयर करते रहिए मित्रों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए, इससे आपको भी लाभ होगा, हमें भी लाभ। चलिए प्रश्नों पर जल्दी आते हैं, तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, द स्मॉलेस्ट डिजीज काजिंग एजेंट प्रेजेंट इन द हायर प्लांट ओनली आर। कह रहा कि स्मॉलेस्ट डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं, तो आप कहेंगे मालिक्यूट्स होते हैं, कौन होते हैं, मालिक्यूट्स होते हैं। उच्च पादपों में कुछ सूक्ष्म रोग कारक एजेंट पाए जाते हैं जिसे मॉलिक्यूट्स कहते हैं, इससे पौधों की वृद्धि और विकास प्रभावित हो जाता है। द वायरस पैरासाइटाइजिंग द मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एलगी आर नोन एज। कह रहा जो ऐसा वायरस जो ब्लू ग्रीन एलगी के ऊपर क्या होता है, पैरासाइटिजिंग होता है, मतलब पैरासाइट के रूप में पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं साइनोफेज वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोफेज वायरस कहते हैं। और इसके बारे में किसने बताया था, तो स्टेनियर ने नीलहरी सहवाल को साइनोफेज वायरस के रूप में वर्गीकृत किया था। प्लांट वायरस वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड रिगार्डिंग टू द न्यूक्लियो प्रोटीन। कह रहा है सबसे पहले किसने जो है इसे क्रिस्टलाइन क्रिस्टल के रूप में लाया था वायरस को, तो वो नाम था स्टेनले यलमिलर का, यानी स्टेनले है इसके लिए जिम्मेदार, कौन है, स्टेनले है। TMB वायरस को, टोबैको मोजैक वायरस को इन्होंने किस में बदल दिया था, क्रिस्टल के रूप में बदल दिया था। WM स्टेनले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 1935 की यह घटना होती और 1946 में इन्हें नोबल प्राइज मेडिसिन का दे दिया जाता है, ठीक है। और इसी कारण और यूनिवर्सिटी ने वायरस की खोज की थी, और इसी कारण से वायरस को क्या कहा जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, क्योंकि लिविंग बॉडी में लिविंग जैसा बिहेवियर करता है और लिविंग बॉडी के बाहर एक क्रिस्टल के रूप में भी रह सकता है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, वायराइड्स आर, वायराइड्स क्या होते हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन। तो ये इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड होते हैं। कौन? वायराइड्स। वायराइड्स में कैप्सिड तथा प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। ये आरएनए के स्वतंत्र छोटे और वृत्ताकार एक सूत्रीय अणु होते हैं, जिसमें लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड मोनोमर पाए जाते हैं। यह जो है रोग फैलाने के लिए जिम्मेदार संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। वर्ष 1931 में टी ओ डाइनियर ने जो है इसको किसने को न्यूक्लिक अम्ल से बने इन अणुओं को वायराइड नाम दिया था। सर्वप्रथम खोजा गया वायराइड पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर वायराइड्स है, और प्रियांश इन्फेक्शियस प्रोटीन को कहा जाता है। और तो मान लीजिए तो जान ही रहे हैं, तो पहला खोजा गया वायराइड्स कौन है? पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर जो है वायराइड्स होते हैं। इधर आ जाते हैं, एंजाइम्स आर एबसेंट इज, एंजाइम जो है एबसेंट होती है किसमें? तो एंजाइम एबसेंट होती है वायरस में। किसमें एबसेंट होती है? वायरस में एबसेंट होती है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है 5174 बैक्टीरियोफेज में या 5 लैम्डा में भी, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में भी पाया जाता है। तो यहाँ मान लीजिए 5174 बैक्टीरियोफेज दिया गया, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ए प्लाज्मिड विच बिकम्स इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट क्रोमोसोम एंड रिप्लिकेट साइमल्टेनियसली इज का एपिसोम।